यूं तो कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इसी के चलते इस वायरस के दुष्प्रभाव की चिंता और जेब में एक रुपया भी ना होने के कारण लोग लगातार 300 से 400 किलोमीटर पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई दोराय नहीं है इस बात में कि पूरी दुनिया में इस वायरस को लेकर लोगों में भय का माहौल है, वहीं इसका खौफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो एक तरफ विदेशी भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार विशेष विमान 787 ड्रीमलाइनर और बोइंग 777 वाली विशेष सुविधाएं दे रही है। यही नहीं, विशेष मेडिकल टीम्स के साथ सरकार विदेशी भारतीयों को वापस ला रही है। और वहीं दूसरी तरफ गरीबों के पास ना ट्रेन है, ना बस है, ना ऑटो से यात्रा की कोई सुविधा है। अपने बच्चों को कंधों पर पकड़ते हुए, कंधों पर बिठाते हुए लोग 500 से 1000 किलोमीटर चलने को मजबूर हैं। ये भारत के असल मतदाता हैं, ये भारत के असल भाग्य विधाता हैं। लेकिन सरकार क्या चाहती है, इस समझ से बाहर है। सरकार बेशक बड़े बड़े दावे करे, लेकिन खासकर यूपी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये देखा जा रहा है कि लोगों की जेब में ना तो पैसा है और ना खाने को कुछ है, और बावजूद इसके उन्हें पुलिस भी रास्ते में तंग करती है और उन्हें कई सौ किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है। इस पूरे मामले को देखते हुए ये बात समझनी मुश्किल है कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है, सरकार की रणनीति क्या है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्यों सरकार को इन लोगों की सुध नहीं है जो देश के वासी हैं, गरीब हैं, बिना पैसे के हैं, और उन लोगों की फिक्र है जो लोग विदेशों में बैठे हैं और पूरी तरह से संपन्न हैं। उनकी फिक्र भी करनी जरूरी है, लेकिन पहला फर्ज सरकार का इन गरीबों के लिए बनता है जिनके पास पैसे भी नहीं हैं और खाना भी नहीं है।